السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. हर क़स्म की तारीफ़ व तोीफ़ किवरियाई व बड़ाई हमदोसनाबुलआलमिन के लाइक़ो ज़ैबा है जिसने हम सबको पैदा किया जिसकी जानिब से हमें और आपको को अनगिनत नेमतें मिली हुई हैं और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में नई नई नेमतों का इजाफ़ा भी करते रहता है दरुद हो तमाम अम्ब्याए कराम पर खूस नबी आखरमा प्यारे नबी नबी रत रह्मत, रहमत लालमीन महमदर रसूल सल्ला वम पर दीनी बिल्ली भाइयों बुज़ुर्गों नौजवान साथियों अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशी इस्लामी माँ और बहनों आज के दर्स का मौजू आप लोगों ने सुना माशरे की अलाह में मसाजिद का किरदार याशर में मसाजिद का किरदार ये एक ऐसा मौजू है जिसके जुज़ियात पर भी हम बात करेंगे और अल्लाह की तौफीक से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि समाज में माशरे में मसाजिद की कितनी अहमियत होती है या होनी चाहिए दीनी भाइयों सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस जिसके रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तहों हैं वो समात करें अबू हरे रदी अल्लाह तुम कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहबुल बिलादी अल्ला मसाजिद हुआ कि सबसे अच्छी जगह अल्लाह के नज़दीक मसाजिद हुआ करती रोए ज़मीन पर जितने मकानात या जितनी इमारतें हैं उनमें सबसे प्यारी इमारत सबसे अच्छी जगह ये क्या होती हैं मस्जिद होती हैं सबसे अच्छी जगह मस्जिद उसी हदीस में आगे है कि सबसे बुरी जगह मार्केट और बाजार इसके शरह आप देखेंगे तो उसका जो सब जिक्र किया जाता है वो ये कि मस्जिद में जा करके बंदा अल्लाह के करीब होता है आखिरत की फिक्र उसके अंदर पैदा होती है वो जन्नत की राह पर आ जाता है जन्नत के हुसूल की लालच पैदा होती है इस दुनिया के फना होने और उसके मर जाने के बाद आखिरत में उसका क्या अंजाम होगा उसकी उसे फिक्र लाक होती है जबकि बिल्कुल इसका उल्टा क्या होता है जब बंदा मार्केट में जाता है वहाँ बाजार में जाता है तो दुनिया की लालच पैदा होती है दुनिया कैसे कमाए दुनिया कैसे बनाए प्रॉपर्टियाँ कैसे बनाए और फिर वहाँ आदमी दुनिया हासिल करने के लिए शैतान उसके दिल में वसाविस पैदा करता है तो ज़रूरत पड़ती तो झूठ बोल देता है ज़रूरत पड़ी तो यानी ज़रूरत मतलब शर् ज़रूरत नहीं उसे हासिल करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो बंदा झूठ भी बोल देता है कुछ धोखा देना है तो थोड़ा छोटा मोटा धोखा भी दे देता है फ्रॉड कर लेता है क्या बनाने के लिए दुनिया तो मस्जिद आखिरत को संवारती है और मार्किट दुनिया हासिल करने का ज़रिया है इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद सबसे अच्छी जगह है क्योंकि वो अल्लाह के करीब करती बंदे को और बाजार अल्लाह से दूर करता है बरकेफ दीनी भाइयों ये एक हदीस है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इन नमाय अमर मसाजिद अल्ला बिल्ला वल्यमिल आख़िर की हकीकत में अल्लाह की मसाजिद को तामीर करने वाले उसे आबाद करने वाले लोग वो हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं यानी ईमान बिल्ला और आखिरत पर ईमान ये सबब है ये ज़रिया है जिसकी वजह से लोग मस्जिदें आबाद रखते हैं यहाँ इसकी तफसीर में जाएंगे तो ये भी है कि मस्जिद बनाना फिर मस्जिद में नमाज़ों का अहमाम करना मस्जिद में हाँ अल्लाह का ज़िक्र करना ये इमारत एक तो ढांचा बनाना ये भी है और दूसरे फिर उसे आबाद रखना ये काम किसका है मोमिनों का है ये थोड़ी सी तमहीदी बातें मस्जिद के हवाले से आप लोगों के सामने ज़िक्र की गई आज का जो मौजू है उसे हम समझने के खातिर थोड़ी सी उसकी तकसीम करेंगे मौजू है माशरे की असलाह में मसाजिद का किरदार मस्जिद कोई रोल प्ले करती है जिसकी वजह से समाज और माशरा इसकी असलाह होती है इसमें अगर कुछ बिगाड़ आए कुछ ख़राबी आए कोई बुराई पैदा हो तो वो सुधर जाता है किसकी बरकत से मस्जिद की बरकत से अब यहाँ पहले ये समझ लें कि मस्जिद कहने से एक जो हमारे जहन में खाका बनता है क्या सिर्फ उतना काफ़ी है या वहां एक मुकम्मल सेटअप होना चाहिए मिसाल के तौर पर आपकी मस्जिद है इस मस्जिद की वजह से माशरा और समाज उसकी कैसे असलाह होती इस मस्जिद की वजह से उसकी कैसे असलाह होती है अगर यह मस्जिद सिर्फ बुनियाद खड़ी है ढांचा तैयार है लेकिन यहाँ अलमा ना हो तो ये मुमकिन है नहीं मुमकिन या आवाम इस मस्जिद से ना जुड़े तो यह क्या मुमकिन है कैसे मुमकिन है सिर्फ इमारत से ये काम नहीं होगा तो तीन चीज़ें जरूरी हैं पहली चीज़ मस्जिद का अपना ढांचा क्योंकि उसकी वजह से इसलाह होगी दूसरी चीज़ उस मस्जिद में आलिम का होना और आलिम जब कहा जाए तो आलिम से मुराद आलिम बिल किताबी व यानी कुरान और, और हदीस का जानने वाला और तीसरी चीज आवाम का आलिम और उस मस्जिद से कनेक्ट होना जब ये तीनों चीजें होंगी तो ही इसलाह हो पाएगी इसमें से एक भी मफबूत काम नहीं होगा पॉसिबल ही नहीं है मस्जिद बना दी मस्जिद में बहुत तजर्बेकार बासलाहियत आलिम लाकर रख दिया लेकिन आवाम आती ही नहीं आवाम जुड़ती ही नहीं कोई फायदा नहीं वो बेसूद हो जाएगा उससे समाज पर कोई असर नहीं पड़ने वाला जब तक कि हाँ अवाम उससे जुड़ करके अपना सपोर्ट नहीं देगी इस मौजू को समझने के लिए हम लोग आहस्ता आहस्ता आगे बढ़ेंगे पहली चीज़ ये कि मस्जिद बना ली अल्लाह के फजल से अल्लाह की तौफीक से हमने मस्जिद तैयार कर दी अब मस्जिद में दूसरा जो काम है कि वहाँ सुन्नत का आलिम रखना जो कुरान भी समझता हो जानता हो कुरान का इल्म रखता हो और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस का उसे इल्म हो जब ये दोनों इल्म रखने वाला आलिम वहाँ रहेगा तो उस इल्म की बरकत से समाज में माशरे में इस्लाह का काम होगा लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आप पूरे हिंदुस्तान का जायज़ा ले लें ऐसी एक दो नहीं सैकड़ों मस्जिदें हैं जिनका ढांचा बहुत अच्छा है दो दो मंजिला बनी हुई हैं लेकिन वहाँ आलिम नहीं है आलिम नहीं है बस किसी का थोड़ा सा मखरस सही है तो वही अजान दे देता है तो चार छः लोग आ जाते हैं नमाज पढ़ लेते हैं और बस उतना काफ़ी उससे समाज में इसलाह क्या होगी उससे क्या समाज में इसलाह होगी यहाँ तक कि कहीं कहीं जुमा का खुतबा जो देने वाला होता है वो भी आकर के थोड़ा सा पढ़ दिया एक दो बातें बता दी वहीं पर बात खत्म हो जाती है या खुतबा देने वाला ही कोई नहीं मिलता है तो उस मस्जिद की वजह से उस समाज में उस एरिए में इसलाह का काम नहीं हो पाता है जब तक कि वहाँ आलिम ना आलिम क्यों नहीं होते हैं उसके क्या इसबा हैं उसके क्या वजूहत हैं इस हवाले से चंद बातें देखें पहली चीज़ ये आलिम ही मफकूद हो यानी कोई इलाक़ा कोई ख़त् ऐसा हो जहाँ आलिम ही ना मिले तो वहाँ ज़िम्मेदारी बनती है जो असाब जिन्हें अकल दी है माल दिया है या शहरों में रहते हैं मिसाल के तौर तो पर हम यहाँ शहर करला में बैठे हुए हम देख रहे हैं कि हमारे गाँव की मस्जिद में कोई आलिम नहीं है ये हमारे गाँव के करीब तो कोई दूसरा गाँव है वहाँ कोई आलिम नहीं यहाँ हम लाखों रुपये सदक़ा खैराज जकवात या ऐसे दूसरे मद में ख़र्च करते रहते हैं हम पर पहली जिम्मेदारी आए होती है कि वहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं वहाँ उनके दरमियान दावत का काम कैसे हो कैसे लोगों को हाँ दीन की तरफ़ लाई जाए उसकी हम फिक्र करें इंडिविजुअली अपनी तौर पर कर सकते हैं तो वही करें लेकिन अब उसके दिम्... हम हम समझ रहे हैं ना इस चीज़ को हमें ये शोर नसीब है ना कि हाँ वहाँ ये काम होना चाहिए तो हमें ज़िम्मेदारी उठाएं जब मयात होती है उनको वहाँ मुतहरक करें या उनसे बात करें लेकिन भर के भी एक दिन का अहम काम है जो करने की ज़रूरत है दूसरी चीज़ क्या होती है आलिम से मस्जिद को महरूम रखना यानी आलिम दस्तियाब हैं लेकिन फिर भी महरूम रखा जाता है महरूम रखा जाता है यानी आलिम मिल सकते हैं बीस हज़ार पच्चीस हज़ार रुपया लेके उनकी अपनी ज़रूरत है उनकी अपनी फैमिली है तो जाहिर सी बात है जो चौबीस घंटा आपके साथ जुड़ जाएंगे तो उनका घर उनका घर कैसे चलेगा इसलिए तनख्वाह या सैलरी की बात की जाती है कि आप इतनी रकम उन्हें दें कि वो फारिग हो जाए फिर उन्हें कहीं और आने जाने की ज़रूरत ना रहे अगर वो इस पर बखुशी बरगबत राज़ी हैं तो आपकी मस्जिद में खिदमत अंजाम दें और आप उनसे अपना यान, यानी दीन सीखें दीन का काम लें और सारा समाज सारा माशरा उनसे फ़ायदा उठाए लेकिन ये भी एक अलमिया है कि बहुत सारे लोग ऐसी सोच नहीं रखते वो मस्जिद बनाते वक्त उसमें करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे मस्जिद की कालीन मस्जिद का कि टाइल्स मस्जिद का फर्नीचर मस्जिद का डेकोरेशन उसमें इतना ख़र्च इतना ख़र्च कि अगर ना भी करते तो चल जाता लेकिन जब बात आती है कि इस मस्जिद में कोई बासलाहियत तजर्बेक आलिम रखें आस पास सौ घर आबाद हैं एक एक घर के अंदर जो पाँच पाँच अफराद भी है तो पाँच सौ छः सौ लोगों में दीन का काम कैसे होगा उनकी असलाह कैसे होगी उनका उनको कैसे समझाया जाएगा उनके उन्हें शैतान बहका गलत रास्ते पर डाल दें तो कैसे रोका जाएगा उनके बच्चों को कुरान पढ़ना कैसे सिखाया जाएगा उनके घर में दीन की रोशनी कैसे जलेगी आदमी इस पर ध्यान नहीं देता यहाँ अगर किसी मस्जिद का बनाने वाला ही इस शुरू से महरूम है तो आदमी समझाता रहे सर पीट के रह जाए वो ज्यादा वो फिर क्या करता है वो मस्जिद को चलाने के लिए भी वो वहाँ बनिया का दिमाग रखता है किसका दिमाग रखता है वहाँ भी कैलकुलेशन करते रहता है क्या चाहे एक काम करता हूँ एक एक आदमी जिसका मकरज सही हो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मखरस सही हो उसको रख लो अजान दे देगा वो नमाज़ पढ़ा देगा और फिर जुमा को कहीं किसी कोई आलिम बुला लेंगे वाकई के जुम्मा पढ़ाने चले जाएंगे जबकि मुस्तकिल जो इमाम होता है मस्जिद का आलिम उसके ताल्लक़ मसलियों से उसवार हो जाते हैं उसका एक अटैचमेंट हो जाता है कल भी लगाव हो जाता है फिर वो देखता है किसी को चाचा कहकर किसी को भैया कहकर किसी को बाबू कहकर हाँ किसी को बेटा कहकर आसलाह का काम करते रहता है एक लगाव हो जाता है आदमी देखिए सबकी नसीहत झट से नहीं कबूल करता ना झट से सबकी नसीहत नहीं कबूल करता है एक देख रहा है एक आदमी कि हमारे जो इमाम साहब मस्जिद के हैं बहुत बाखलाक है मुस्कुरा कर मिलते हैं बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं बहुत अच्छा दर्स देते हैं तो आहिस्ता से उसका दिल तैयार हो जाता है तैयार रहता है अब जैसे उसने देखा इनके अंदर कोई गलती है कोई कमी है उसने नसीहत कर दी उन्होंने नसीहत कबूल कर ली लेकिन मस्जिद बना ली और ऐसा कोई आलिम ला करके नहीं रखा बल्कि क्या किया उसको जैसे आदमी अपनी फैक्ट्री चलाता अपना कारखाना चलाता ऐसे ही अगर कहीं के जिम्मेदार इस तरह के हो जाए तो वहाँ फिर मस्जिद का जो फैज़ है मस्जिद की जो बरकत है वो इलाके के लोगों को नसीब नहीं होती नहीं नसीब होती फिर वो मस्जिद बनी है अलीशान बनी हुई है लेकिन मस्जिद का जो फ़ायदा पहुँचना चाहिए उस फायदे से इलाके के लोग महरूम रहते हैं फिर जब मस्जिद और तोसी करनी है कुछ और करना है तो वहाँ पर पैसा लगता है लेकिन बाकायदा लोगों का दीनी ये ज़र्रा बराबर डेवलप नहीं हो पाता है इसलिए दस दस साल बीस बीस साल मस्जिद के कायम हुए हो, हो जाता है उसके बावजूद भी वैसे ही लोगों में जहात मौजूद रहती है लोगों में दीन से वैसे ही बेरगबती मौजूद रहती है हलाल हराम नहीं समझते इस्लामी अकाद तक का उन्हें सही तरीके से इल्म नहीं होता है तो एक बड़ा यह है कि आलिम से मस्जिद को क्या रखा जाए महरूम रखा जाए एक चीज़ और इसमें कि आलिम बासलाहत के बजाय बासलाहत जो किताब सुन्नत का इल्म रखते हो उनके बजाय कोई सिर्फ काम चलाऊं आदमी को ला करके वहाँ पर रख दिया जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके नमाज़ पढ़ा सके या किताबों सुन्नत का इल्म रखने के बजाय किससे कहानी सुनाने वाला या जिसे दिन का इल्म ही नहीं है बस किसी तरह से चरब जुबानी थोड़ी आती है थोड़ा अच्छा बोल लेता है चाहे गलत सलत बोले ज़ईफ हदीसें पढ़े हाँ वाकयात सुनाए जिसका कोई पैर नहीं हो उसे ला करके वहाँ रख दिया जाता है तो वो आदमी अपने हिसाब से फिर लोगों से रबता रख करके चापलूसियाँ करके किसी हिसाब से अपनी रोज़ी रोटी का खाली इंतज़ाम रखता है बाकी दिन का कोई काम नहीं कर पाता वहाँ दीन का अगर उसके अंदर जज्बा नहीं है काम करने का इल्म ही नहीं है तो क्या काम करेगा वो इसमें एक बड़ा तबका किसका है एक बड़ा तबका दीनी भाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देखिए आप हकीकत में दीन क्या है अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ इमा या अती हुदा फमन तब आदा या फ़ला ख़ौफनआल हज़न जब सलाम और होम को जन्नत से अल्लाह ताली ने ज़मीन पर भेज दिया तो उन्हें एक बात बताई उनसे अल्लाह ताली ने कहा कि तुम तक मेरी हदायत जाएगी फ़ इमा याती नकुम मिन्नी हुदा मेरी जानब से हिदायत जाएगी रहनुमाई जाएगी फमन्त आहदा आया और जिसने मेरी हिदायत की इतबा की ओर मान लिया फ़ला ख़ौफन आल मौल उन पर कोई खौफ नहीं होगा वो गमगीन नहीं होंगे यानी असल इस्लाम वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं वही इस्लाम वही दीन है दीन के नाम पर अगर कुछ और बताया जाए तो वो गुमराही है दीन के नाम पर ऐसी बातें सिखाई जाएँ ऐसी बातें बताई जाए जिसका ताल्लुक़ क़ुरान और हदीस से नहीं है तो चाहे वो जितनी अच्छी बातें कितनी भी अच्छे अंदाज में बयान की जाए वो दीन नहीं है अब हम देखें अपने इलाके में कितनी सारी मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ सिर्फ किस्से कहानियां सुनाए जाते हैं किससे कहानी उसका दिन से कोई लेना देना नहीं सिर्फ किस्से कहानी हाँ उसमें करामात के नाम पर वलियों और बुजुर्गों के हाँ एक तरह से उनके कारनामे के नाम पर वो सारी चीजें बताई जाती तो उसमें माशरे में इसलाह का काम क्या होगा इस्लाह का काम का का क्या होगा इस्लाह में पहली चीज आती है कि आदमी के अकीदे की असलाह की जाए अकीदे की की जाए उसका ताल्लुक तल्लुक मजबूत किया जाए अल्लाह से उसका कनेक्शन जोड़ा जाए बंदे को अल्लाह से कनेक्ट किया जाए उसी से दूर रख कर के मज़ारों में वहाँ बाबाओं के यहाँ यहाँ लगा के रखे हुए हैं वो क्या बताएंगे तो माशरे में इस्लाह कहाँ होगा उनके यहाँ तो सिफ़ारिश के नाम पर लोगों को इबादतों से भी दूर कर दिया गया यानी फला फला का दामन पकड़ मचल जाएंगे निकल जाएंगे ऐसा लगता है कि ट्रेन में चढ़ना है ट्रेन से उतरना है ये कपड़े ऐसे निकल जाएंगे यह बहुत मामूली इतना हल्का बना के रखा है कि दीन के नाम पर उनके यहाँ कोई खौफ ही नहीं पैदा होता है कि हमें ये करने की ज़रूरत वर ना हमारी निजात नहीं होगी निजात के लिए इतने सारे उनके यहाँ ऑप्शन रखे हुए हैं कि फला फला से बैठ कर लो निजात हो जाएगी फला का दामन पकड़ लो निजात हो जाएगी फला के साथ हाँ उनके उनके अकीदतमंद बन जाओ उन आपकी निजात हो जाएगी तो ये भी बड़ा है कि मसाजिद हैं लेकिन मसाजिद में जो उलमा है वो सू हैं एक तरह से जिन्हें किताब सुन्नत का इल्म नहीं है वो दीन के नाम पर कुछ और बताते हैं दीन के नाम पर पब्लिक को किसी और काम पर लगा के रखते हैं दीन के नाम पर अवाम को किसी और काम में बिजी रखते हैं वीज़ गंडे हाँ तीजा फातिहा कुरान खानी यही उनके यहाँ दीन बनकर गया उससे ज़्यादा कुछ नहीं तो ये भी एक अलमिया है एक चीज़ और है कि आवाम का आलिम से दूर रहना यानी सही आलिम है किताब सुन्नत का आलिम मस्जिद में है लेकिन अवाम उससे नहीं जुड़ती है आवाम नहीं जब लफ्ज अवा बोला जाए तो इसमें मैं सबको शामिल रख रहा हूँ यानी बच्चा भी नौजवान भी बुज़ुर्ग भी मर्द भी ख़वातीन भी सब उस आलिम से फ़ायदा नहीं उठा रहे मस्जिद के जो इमाम हैं या मस्जिद में जो आलिम रखे गए हैं या जो वहाँ मुतन है उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे बच्चे कहाँ रहते हैं बच्चे स्कूल चले गए बच्चे कहाँ हैं बच्चे ट्यूशन चले गए नौजवान है तो नौजवान कहाँ है नौजवान कॉलेज चला गया या नौजवान किसी क्लब से जुड़ा हुआ है तो वहाँ क्रिकेट खेलने चला गया या कोई दूसरा अपना खेल खेलने चला गया या दुनिया ही के लहो लड़ब में मशगूल है बड़ी मुश्किल से हमारे बुजुर्ग हैं तो वही वक्त निकाल करके आके मस्जिद में कनेक्ट होते जुड़ते हैं औरतें हैं तो औरतों को तो अल्लाह रहम फरमाए औरतों पर इतना बैंड जितना मस्जिद के हवाले से लगाया गया है उतना तो उन पर बाजार पर भी नहीं बैंड लगाया गया यानी औरतों को सिरे से कह दिया मस्जिद में औरतें जाएंगी तो क्या होगा फितना हो जाएगा सबसे यानी दुनिया के सबसे बदतर लोग कहा आ जाते हैं मस्जिद में आ जाते हैं तो उन्हीं से सबसे ज्यादा फितने का खतरा है अहबुल बिलाद सबसे अच्छी जगह मस्जिद वहां औरतें आ जाएंगी तो फितना हो जाएगा और सबसे बुरी जगह सबसे बदतरीन जगह मार्केट है वहां आप करके जाते वहां कोई इख्तलाफ नहीं वहां हर मकतबे फ़िक्र के लोग अपनी औरतों को भेजते हैं बल्कि वही शॉपिंग करती वही मार्केट वही बाज़ार सब पूरा कम वहां पर बात नहीं आती शादी ब्याह में जा सकती हैं औरतें हाँ शॉपिंग करने औरतें जा सकती हैं किसी खेल कूद को देखना जाना है बच्चों के किसी प्रोग्राम में जाना वहाँ भी जा सकती हैं स्कूल कॉलेज भी जा सकती हैं हर जगह जा सकती हैं उस पर ना कोई कॉन्फ्रेंस होती है ना कोई बात होती है ना उसको इतना संजीदा मसला बनाया जाता है इक्का दुक्का कुछ लोग बयान देते हो लेकिन जैसे कोई कहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें मस्जिद में आया करती थी और अल्लाह के नबी का दिया हुआ दीन ही असल दीन है अल्लाह के नबी का सिखाया हुआ तरीक़ा ही असल दीन है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी वही असल दीन है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घरों से ना रोको हम नहीं रोकेंगे इसीलिए हम नहीं रोकते हम अपने औरतों को मस्जिद में आने का हाँ न सिर्फ ये मौका देते हैं बल्कि उसके लिए हुसन इंतज़ाम रखते हैं वो पर्दे के साथ आती हैं इबादत करती हैं दीन सीखती हैं चली जाती हैं साल हर हाँ साल गुजर रहा है कोई फितना नहीं होता है कोई फितना नहीं होता है होता है फितना कोई फितना नहीं होता लेकिन शैतान ने उनके दिल में दिमाग में ये बात डाल दी कि नहीं फितना होता है तो वो अल्लाह की बंदियाँ ना वो अकीदा सीख पाती हैं ना इबादत का तरीका जानती हैं ना मामलात जानती ना अखलाक या कुछ नहीं फिर उनका सारा वक्त यूट्यूब में फिल्में देखने या कुछ दूसरे कामों में लग जाता है दीन सीखने की उन्हें तोफ़ी नहीं होती तो ये भी एक मसला है कि समाज और माषरे में असलाह मस्जिद के ज़रिए होगी कैसे जब मस्जिद से आवाम नहीं जुड़ेगी बच्चे पढ़ाई के नाम पर दूर कर दिए गए नौजवान तालीम के नाम पर या रोज़गार के नाम पर दूर कर दिए गए औरतों को सिरे से काट दिया गया औरतों ही के ज़रिए घर का दीनी माहौल बनता तो उन्हें ही जब ख़त्म कर दिया गया तो असलाह कहाँ से होगी बस ये है कि जो बुज़ुर्ग हैं हमारे जो फारग रहते हैं उन्हें मौका मिलता है मस्जिद में आते हैं बैठते हैं अब उनके सामने जो बात की जाए अल्लाह तोफीक देता तो जाके अपने घर पे बात करते हैं वरना वो भी कहाँ हमारे घरों का भी तो निज़ाम इतना बिगड़ा हुआ है कि एक ही घर में रह करके बाप बेटे की हफ्ते मुलाकात नहीं होती एक ही घर में रह करके अब्बा खा पी करके सो गए हैं बेटा आ रहा है एक बजे फिर जब अब्बा सुबह उठे तो बेटा सो रहा है फिर अब अब्बा नमाज पढ़ना है तो बेटा निकल गया काम पर हफ्ते हफ्ते भर मुलाकात नहीं होती साथ में बैठने की तोफ़ीक नहीं होती ये अलमिया इसला कहाँ से होगी तो एक मसला क्या है मस्जिद का ढांचा तैयार है मस्जिद में आलिम भी मौजूद हैं लेकिन आवाम उनसे नहीं जुड़ पाती है, आवाम से मुराद बच्चे भी कट उस पर कट जाते हैं नौजवान भी कट जाते हैं और ख़वा भी सिरे से अलग थलग हैं हाँ अल्लाह की तोफ़ी से अल्लाह की फ़जल से हमें अल्लाह ने ये नमत दी है कि अल्लाह के नबी वसल्लम की, की हदीस पर अमल करते हैं तो हमारी खवतिन हाँ जुम्मा में भी शामिल होती हैं दीगर तालीमी या दावती कोई प्रोग्राम होता है तरबती कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें वो शामिल रहती है। यहाँ एक कमी अपने यहाँ भी यह है अपने से मुराद ये कि जो औरतों को मस्जिदों में भेजने के हक़ में हैं एक कमी यह है कि हमारे यहाँ भी बसा बसावकात घरेलू काम काज की मशगूलियत ये इतनी बढ़ी रहती है कि हमारे घर की औरतें भी प्रोग्रामों में शामिल नहीं हो पाती फिर दिन कहाँ से आएगा उनके अंदर कौन बात करता है उन्हें दिन सिखाएगा कौन बताएगा जुमा में नहीं शामिल हो पाती अगर हम में से कोई ऐसा है कि जिसकी बहन जिसकी बीवी जिसकी वालदा मस्जिद से नहीं कनेक्ट है दीन, दीन सीखने से नहीं जुड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है उसकी असला होगी कहां से उसके अंदर दीनी बेदारी कहां से आएगी तो जब तक ये तीनों चीजें नहीं मिलेंगी तब तक ये मस्जिद का जो किरदार है वो अमली तौर पर नहीं दिखेगा अमली तौर पर नहीं दिखेगा किसी जगह पर 400-500, 100-150 घर मुसलमानों के आबाद हैं वहां पहली जिम्मेदारी मस्जिद बनाना 10 घर आबाद हूँ पहली जिम्मेदारी है क्या बनाना मस्जिद बनाना मस्जिद का इस्लाम में मकाम यह है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम सफरे हिजरत में हिजरत के सफर में है जाना है मदीना लेकिन मदीने से पहले एक बस्ती पड़ी जहाँ भी कुछ मुसलमान थे वहाँ भी कुछ मुसलमान थे प्यारे नबी वसल्लम जब वहाँ पहुँचे वहाँ आपने देखा कि यहाँ कुछ घर मुसलमान हैं उन्होंने अल्लाह के नबी को ठहराया आपकी जियाफ़त की तो अल्लाह के नबी सल वसम् ने वहाँ पहली मस्जिद तामीर की किस नाम से मस्जिद है वो मस्जिद कबा अभी देखिए अल्लाह के नबी के अपने रहने का ठिकाना नहीं है कि मैं कहाँ रहूँगा मक्का छोड़ मक्का में तो घर था अब मदीने जा रहे हैं तो वहाँ मेरे पास घर नहीं है कैसे रहूँगा कोबा में वक्ती तौर पर कुछ दिनों के लिए ठहरे हैं लेकिन वहाँ वहाँ के लोगों के लिए अल्लाह के नबी ने पेशवाई करके अगुवाई करके क्या किया मस्जिद क़ायम किया क्योंकि मस्जिद मरकज़ होती है अभी इन जिक्र आएगा कि मस्जिद से फवाइद क्या हासिल होते हैं वो मरकज़ होती है उसकी फिक्र होनी चाहिए इसलिए इमाम शाफी रहमत लाइ का कौल है कि ऐसी जगह आबाद नहीं होना चाहिए ऐसी जगह आबाद नहीं होना चाहिए जहाँ डॉक्टर ना रहे और आलिम ना रहे ऐसी जगह पर नहीं आबाद होना चाहिए जहाँ डॉक्टर ना रहे और मस्जिद ना रहे नहीं आलिम होगा तो मस्जिद होगी या मस्जिद होगा तो आलिम होगी तो ऐसी जगह पर नहीं आबाद होगी आबाद ही नहीं होना चाहिए अब ये भी एक बड़ा फितना है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुस्लिम आबादी है तंग गलियाँ हैं हाँ उतनी साफ़ सफाई नहीं है या मुस्लिम आबादी है यहाँ पर यह दिक्कत है ये दिक्कत है तो चलो ऐसी जगह पे जाकर इतना पोश मकान खरीदो ऐसी जगह पे जाकर के रहो जहाँ हर तरह की फैसिलिटी रहे 24 घंटा पानी रहे 24 घंटा लाइट रहे कुशादा सड़कें रहे बड़े बड़े वहाँ गार्डन्स रहे और खेलने कूदने की हर फैसिलिटी मौजूद रहे वहाँ जा के आबाद हो जाओ फिर वो जा करके मुंबई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहाँ चल रहे हैं वहाँ जा घर ले लेते हैं और उसके बाद फिर फतवा पूछते हैं कि हमारे यहाँ कोई मस्जिद नहीं है तो हम नमाज घर में पढ़ सकते हैं हमारे यहाँ कोई मस्जिद नहीं है तो हम घर पर नमाज पढ़ सकते हैं तुम्हें किसने कहा लेने के लिए जहाँ तुम नमाज नहीं पढ़ सकते हो जहाँ तुम अजान नहीं सुन सकते हो तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे ना उन्होंने कभी अजान सुनी ना नमाज सुनी ना कुर्बानी किया ना मुसलमानों का उनके वहाँ कोई एक इज्तम होता कभी वो जमा होते एक दूसरे को जानते पहचानते तक नहीं है किसने कहा था घर लेने के लिए ये जो दुनियावी आराम व आरइश है या दुनियावी जेबो जीनत होती है दुनिया की जो फैसिलिटी होती है आप अपने तौर पर अपने इलाके में पैदा करें वहां कोशिश करें इनके खातिर अगर दीन से समझौता करना पड़े तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके सहाबा के पास मक्का में घर था प्रॉपर्टी थी जायदादें थी खानदान था सारी फैसिलिटी थी ना दीन की खातिर सब कुर्बान कर दिया मदीने पहुंचे वहां ना घर है ना तिजारत है ना कमाई का कोई मुस्तकिल है। कुछ नहीं वहां पर प्यारे नबी मदीने जब पहुंचे तो पहले अल्लाह के नबी वसल्लम ने तिजारत का लोगों के घर का उनके लिए पानी का ये सब इंतजाम नहीं किया पहले काम क्या किया मस्जिद बनवाई मस्जिद बनवाई अल्लाह ताला ने मजिद में जिक्र में किया जरब अल्लाहन رغدًا من كل مكان فكفرت بأن عمله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون एक बस्ती की मिसाल दी कि बस्ती बड़ी खुशहाल थी बड़ी खुशहाल बस्ती या अतीहा रिस्क हुआ रगदम मिनकुल्ल मकान मिनकुल्ल मकान हर जगह से वहाँ उनको रिस्क पहुँचता था खाने पीने की चीज़ें पहुँचती खुशहाल बस्ती फकफ़रत भी लोगों ने क्या किया अल्लाह की नेमत के कुफरान किया ना शुक्री की क़रानी नेमत ने किया अल्लाह का हक नहीं अदा किया शुक्र नहीं अदा किया फाला तो अल्लाह ने उन पर दो चीज़ें मुसलत कर दी भुखमरी मुबतला कर दिया और दूसरा क्या खौफ में मुबला कर दिया देखिए उन्हें नमतें मिली थी Allah का हक नहीं अदा किया तो गईं और गए। लिहाजा इंसान अगर चाहता है कि सुकून की जिंदगी गुजारे और किसी के साथ भलाई और खरखाही करना चाहता है ना तो उसे पहले अल्लाह से जोड़ दे अल्लाह का हक बताए अल्लाह के तोहद बताए उससे कनेक्ट रहेगा आदमी तो यह सारी नेमतों को बाकी भी रखेगा और नई नई नेमतें उसे मिलती भी रहेंगी लेकिन ये कनेक्शन अगर टूट गया तो ये नेमत तो थी ना खुशहाल ये बस्ती खुशहाल थी ना लेकिन खुशहाल बस्ती होने के बावजूद क्या हो गया पूरा पलट गया इसीलिए लोगों के साथ सबसे बड़ी हमदर्दी यह है कि उन्हें अल्लाह की तोहद बताई जाए अल्लाह की तोह इससे बड़ी कोई हमदर्दी नहीं किसी को आप करोड़ा करोड़ रुपया दे दें उसके नाम एक कई एकड़ ज़मीन कर दें उसे दुनिया की हर नेमतें ला करके दे दें और एक आदमी उसे तोहैद बता दे इतबाही सुन्नत सिखा दे तो जिसने इतबाही सुन्नत बताई और तोहीद सिखाया बताया उसने मादिन आई से उसको कोई मदद नहीं की लेकिन उसने जो दे दिया वो तमाम नेमतों की बका की कुंजी दे दी कि सारी नेमतें तो तुम्हारे पास महफूज कह रही बाकी कैसे रहेंगी उसने हमेशा हमेश की ज़िंदगी की कामयाबी का राज बता दिया जन्नत तक पहुंचने का रास्ता बता दिया ये बड़ा काम किया इसने बड़ा काम किया है वो पहला वाला बड़ा काम नहीं है दुनिया की हैसियत क्या है अल्लाह अल्ला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक अगर दुनिया का वजन मच्छर के पर के भी बराबर होता ना इतनी भी वाकई इसकी अहमियत इतनी भी होती कि मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह ताला अगर इसको अहमियत देता तो एक काफिर को उसके खफर की वजह से अल्लाह ताला घूट पानी भी नहीं देता लेकिन कोई हैसियत नहीं इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं लिहाजा दीदी भाइयों ये ये बात यहाँ से आई है समझाने के लिए कि मस्जिद इतनी अहम चीज़ है या इतनी अह उसका किरदार इतना अहम है कि आदमी पहले ये आबाद करे जहाँ देखा है चार यानी दस बीस घर हैं या कुछ मुसलमान आबाद हैं वहाँ क्या करे आदमी मस्जिद आबाद करे इसको ये मरकज़ियत हासिल होती है तो मस्जिद का ढांचा तैयार करना मस्जिद में आलिम रखना और फिर मस्जिद से आवाम को जोड़ना जब ये तीनों काम होंगे तो फिर समाज में इसलाह का काम होगा समाज में फिर बेहतरी का काम होगा आइए आगे बढ़ें कि मस्जिद का किरदार होता क्या है उस उसमें देखिए पहली चीज़ आती है कि मस्जिद में तालीमी निज़ाम रखा जाए तालीम का निज़ाम तालीम में छोटे बच्चे हैं उनके लिए मकतब करना इंतज़ाम यानी वो क़ुरान पढ़ना सीखें दुआएं सीखें नमाज का तरीक़ा सीखें या सुबह शाम की दुआएं सीखें और भी जो बुनियादी अकायद हैं उनकी तालीम हो बच्चों के लिए वो अपना एक मुस्तकिल नजम हो हिफ्ज़ करने चाहते हैं करना चाहते हैं बच्चे तो हाँ हिफ्ज का इंतज़ाम हो दर से कुरान का नजम रहे दर से हदीस का नजम रहे तालीम के नाम पर ये सारे शोबे जारी रहे ये मस्जिद का किरदार है समाज में ताकि उस बच्चे के दिल में जो अभी इस दुनिया में आया है उसके दिल में अल्लाह की मार्फत पैदा हो कि मेरा कोई रब है जिसकी मैं इबादत करता हूँ जिसकी मुझे इबादत करनी चाहिए उसको ये सारी चीज़ें दीन के नाम पर सिखाई जाए, बताई जाए, जिसकी उसे ज़रूरत है जिस बेस पर उसके आगे की ज़िंदगी गुजरनी है तो पहला काम यह है कि तालीम का निज़ाम रखा जाए दूसरा काम है तरबियत तालीम का निज़ाम तरबियत तरबियत में भी कई चीज़ें की जा सकती हैं एक तो यही है कि मुख्तलि मौजुआत पर हसब ज़रूरत दुरुस् हुआ करें मुख्तलि अलग अलग टॉपिक्स पर जैसे ज़रूरत रहे जैसा यानी जैसा वक्त रहे जो तकाजा रहे लोगों की रहनुमाई की जाए रमज़ान का महीना आ रहा है तो रोज़े से मुतल अहकाम व मसाइल क्या है इतिकाफ़ से मुतल रह मसाइल क्या हैं कुरान की तिलावत के आदाब क्या हैं दुआ के आदाब क्या हैं या इसी तरीके से सदक़तुल स्तकतुल्फ़्र के अहकाम मसाइल क्या हैंदीन के आदाब क्या हैं ये सारी चीज़ें मौका ब मौक़ा उनकी रहनुमाई की जाए रमज़ान गुजर गया शवाल में क्या करना चाहिए मुहर्रम का क्या शरी हुक्म है मुहर्रम में हमें क्या करना चाहिए तो जो सीज़न आते रहता है जो मौसम आते रहता है उसके हिसाब से मस्जिद के ज़रिए मुसलमानों की रहनुमाई करते रहना चाहे वो दुरूस की शक्ल में हो या जुमा के खुतबात के जरिए या जुमा के खुतबात के ज़रिए तरबियत के नाम पर ये सारी चीज़ें की जाएंगी इसकी ज़रूरत है उसमें बतौर ख़ास जिन चीज़ों का अहमाम करना चाहिए जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसमें पहली चीज़ है अकीदा व मनहज के असलाह अकीदा और मनहज की असला की यही बेस है अगर ये नहीं है तो फिर सारी चीजें बेकार हैं सब ज़ाया है एक मुसलमान का अकीदा अगर आप दुरुस्त नहीं कर पाए या एक मुसलमान का अकीदा दुरुस्त नहीं है तो फिर वो चाहे जितनी इबादतें कर ले वो नेकियों के नाम पे चाहे जो करे चाहे चाहे जितना खर्च कर दे अल्लाह के यहाँ कुछ भी कबूल नहीं है कुछ भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं सब सब सारी चीज़ें मरदूद हैं रिजेक्ट कर दी जाएंगी तो अक़ीदे के असलाह और प्यारे नबी वसल्लम की सुन्नत क्या है अल्लाह के नबी का तरीक़ा क्या है ये पहले सिखाया जाए बताया जाए मस्जिद का असल किरदार यही है कि अल्लाह की तोहीद और प्यारे नबी वसल्लम की सुन्नत ये लोगों के दिलो दिमाग में रासख़ किया जाए ये पहला काम है जो मस्जिद का किरदार होता है ये मस्जिद के ज़रिए यह काम किया जाता है दूसरी चीज़ माशरती ज़िंदगी की रहनमाईशरती ज़िंदगी की रहनमाई जिसमें बतौर ख़ास हकूक़ बताए जाए इसमें समाज में माशरे में इसका इतना अच्छा असर पड़ता है कि एक आदमी जो किसी की नहीं सुनता है जब वो अपने आलिम की बात सुनता है तो उसके लिए राज़ी हो जाता है कुरान और हदीस के हवाले से वो राज़ी हो जाता है और ये प्रैक्टिकल चीज़ है मुशाहदे में भी आती है एक नौजवान बहुत बहुत दुखी होकर के मस्जिद में बैठा है जुमा का खुतबा सुन रहा है खुतबे में बयान आया ज़िक्र आया कि अल्लाह ताला ने माँ बाप का जो दर्जा जो मकाम रखा है वो ये, ये मकाम है और माँ बाप की नाराज़गी बहुत बड़ा गुनाह है माँ बाप का हक ना अदा करना ये अल्लाह की नाराज़गी को दावत देना है ये अल्लाह ताला के तैज़ो गज़ब को दावत देना अब वो नौजवान की दिल की कैफियत बदलती है वो बदलती है उसकी दिल की कैफियत वो कुरान हदीस के हवाले से वो बातें सुन रहा है और वो जानता है कि मेरी माँ मुझसे नाराज़ है या मेरे वालिद साहब मुझसे नाराज़ हैं वो खुतबा सुन रहा है मस्जिद है मस्जिद में ख़तीब है ख़तीब एक बात बता रहे हैं उसके दिल की कैफियत तब्दील हो रही है अब उसके घर में जो आग लगी है ये यहाँ से जाएगा तो वो आग बुझ जाएगी एक खातून है मस्जिद में आई है खुतबा सुन रही है जुमा के खुतबा सुन रही है दर्द सुन रही है और खतीब बता रहे हैं कि शोहर का क्या हक है शोहर का क्या हक है शोहर के हकूक़ बता रहे हैं वो अपनी कोताही का एहसास कर रही है अरे मैं तो अपने शोहर के साथ कितनी बदतमीजी करती हूँ या मैं अपने शोहर के साथ कितनी हक तल्फी करती हूँ वो घर पे जाएगी तो घर के अंदर जो माहौल है वो तब्दील होगा उसे अपनी गलती का एहसास होगा एक आदमी है किसी मौके पर किसी का हक हड़प करके बैठा था अब खतीब साहब बता रहे हैं समझा रहे हैं कि देखिए किसी का हक मार कर जाना अपनी आखिरत तबाह करना है ये इबादतें सिर्फ काम नहीं आएंगी बल्कि इबादतें ज़ाया करेगा अल्लाह ताला आखिरत में एक आदमी आएगा उसके पास पहाड़ों के बराबर नेकियाँ रहेंगी पहाड़ों के बराबर सदका तो खैरा की नेकी है रोज़ा नमाज की नेकी है बहुत सारी नकियाँ रही लेकिन एक आदमी आएगा उस पर दावा करेगा कि इसने मुझे बुरा भला कहा था इसने मुझे गाली दी थी कहेगा कि इसने मुझे मारा था एक आकर कहेगा इसने मेरा हक हड़पा था अब अल्लाह ताला उठा करके उसकी नेकियाँ ने बांट देगा तो कुछ नहीं रह जाएगा तो आदमी जब बैठ कर सुनता है तो उसका एहसास होता है उसके दिल की कैफियत बदलती है वो समझता है कि मैं इतने मेहनत से इबादत करता हूँ अल्लाह की तोफ़ी से वज़ू करता हूँ नमाजें पढ़ता हूँ पाँच मतबा आकर के नमाज़ें पढ़ता हूँ अलग अलग टाइम पर सब ज़ाया हो जाएगा तो आदमी तौबा करता है फिर क्या करता है वो वो तौबा करता है वो चेंज होता है ये ये, ये कहाँ की बरकत है कहाँ का फैज़ है इसी मस्जिद का मस्जिद के ज़रिए समाज में तब्दीली आ रही है समाज में कंट्रोल हो रहा है बल्कि ये चीज़ तो अगर इस इस तौर पर भी बयान की जाए कि मुसलमानों को जराइम से रोकने के लिए मुसलमानों को जराइम से क्राइम से रोकने के लिए अगर मस्जिदों का निज़ाम नहीं होता या मस्जिदों का निज़ाम हटा दिया जाए तो हुकूमत का काम और बढ़ जाएगा हुकूमत का काम और बढ़ जाएगा कितनी अच्छे तरीके से उलमा लोगों की जहन साजी करके हाँ सैकड़ों गुनाह से लोगों को रोके रखते हैं सैकड़ों हज़ारों जराइम से लोगों को रोके रखते हैं उलमा के ज़रिए अल्लाह की तौफीक है ये कि समाज पूरा कंट्रोल में रहता है समाज पूरा कंट्रोल में रहता है इस्लाम बताता है कि आप बगैर गलती के बगैर किसी गुनाह के किसी को आप मार नहीं सकते हो किसी पर आप जब्र नहीं कर सकते हो इस्लाम सिखाता है कि किसी को आप दुखी नहीं कर सकते हो उस पर गुनाह मिलता है तो उस पर आदमी अल्लाह के यहाँ उसकी पकड़ होगी तो आदमी कंट्रोल में रहता है आदमी कंट्रोल में रहता है इस्लाम सिखाता है अगर आपने हराम का कमाया है हराम का, का खाया है आपकी दुआ कबूल नहीं होगी तो आदमी चोरी नहीं करता है आदमी धोखा नहीं देता किसी को आदमी किसी का नाहक माल नहीं हड़प करता है ये अब ये अगर ये सब करे तो सब केस बनेंगे वो सब हुकूमत के नज़र में यानी उस पर उनका काम बढ़ेगा कि ये सारी चीज़ें करें लेकिन मस्जिद की बरकत से इस पर कंट्रोल किया जाता है इसमें क्या किया जाता है लोगों की असलाह की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह का फजल है अल्लाह का एहसान है कि बहुत कुछ मस्जिदों के ज़रिए से कंट्रोल में रखा जाता है तो दीनी भाई एक ये है कि माशरती ज़िंदगी मसाजिद के ज़रिए से इस तरह से हाँ एक सही राह और सही डगर पर रहती है पड़ोसी है एक आदमी अपने पड़ोसी के साथ बुरा सलूक करता है उसके साथ बुरा व्यवहार रखता है लेकिन किसी खुतबे में सुन लिया कि पड़ोसी का कितना बड़ा कितना बड़ा मकाम है। या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अपने पड़ोसी को तकलीफ़ देता हो वह हमें से है ही नहीं वह हमें से है ही नहीं तो वो आदमी सोचेगा ना कि मैं अपने पड़ोसी को क्यों तकलीफ़ देता हूँ तब्दील होगा उसके दिलो दिमाग में तब्दीली आएगी तो मस्जिद का ये किरदार है कि माशरे में असलाह होती है इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है अखलाक़ी तरबियत होती है मस्जिद अखलाक़ी तरबियत का एक जरिया है अखलाक यानी आदमी को सिखाया जाता है बताया जाता है कि आप किसी से मिलो तो मुस्कुरा कर मिलो प्यारे नबी वसल्लम ने फरमाए तबस्सुम का अला अखी का सदका, कि तुम अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलते हो उस पर भी तुम्हें अजर मिलता है सदका है यानी वाब मिलता है उस पर तुम्हें नेकी मिलती है अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलो उस पर अजर तुम्हें मिलता है मस्जिद में पंज वक्ता हम आते हैं कोई किसी से भी मिलता है ख़ुद बखुद मुस्कुराहट भी आती है खुद बखुद सलाम भी आदमी करता है ये कितना अजर वाने का जरिया है एक मोहब्बत पैदा होती है दिल में एक एहतराम पैदा होता है ये मस्जिद की बरकत से है मस्जिद की बरकत से है ये कि उस मस्जिद की वजह से हमारे लिए एक तो वो अजर और सवाब का जरिया भी बनता है और दूसरे हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत परवान चढ़ती है ऐसे ही अख़ुवत भाईचारगी इसमें मजबूती पैदा होती है बहुत सारे मसाइल भी हल होते हैं मस्जिद की बरकत से समाजी बहुत सारे मसाइल हल होते हैं जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई बेसहारा मजबूर बेबस आता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना अपनी परेशानी जिक्र करता था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते थे और साहब कराम से ले करके उसकी हाजत पूरी कर देते थे खुद भी अल्लाह के नबी देते थे और जो जो मालदार थे यानी जो मदद कर सकते थे उनकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ज़रिए से उनकी मदद करवा देते एक मरतबा एक वफ़्द आ गया और उस वफ़ के पास बहुत यानी बहुत सारे लोग आए और उनके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए कपड़े नहीं थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कपड़े जमा हो गए और फिर सबके पास कपड़े का इंतज़ाम हो गया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान या आपकी तालीम का ये ये नतीजा था कि मस्जिद नबवी में हमेशा खजूरें रखी रहती थी खजूरें रखी रहती थी कोई भी आदमी आए भूखा है ज़रूरत है उसको वहाँ से वो उठा करके खा ले आज भी देखिए अल्लाह का फजल है कितना बड़ा एहसान है आप जाएँ मस्जिद नबवी खाने पीने की वजह से वो कोई आदमी वहाँ परेशान नहीं रहेगा यानी हजात जो हाजी हैं हज कलिन जाते हैं वहाँ के लोग इतना अल्लाह की फजल तोफ़ी से इतना खर्च करते इतना हाँ बाँटते हैं कि लोग खुशहाल रहें वो शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारा ले करके खा लें उस पर वो खुश होते हैं कि हमने दिया आपने कबूल कर लिया यानी आप कबूल नहीं करोगे तो वो अजर से महरूम रहेंगे तो वो चाहते हैं आप कबूल कर लो फ़ौर शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने दिया और आपने ले लिया अल्लाह को आपको ज़ायकैदे इसका मैं मुस्तक हो गया मैं सबाब का मुस्तक होगा कि अल्लाह मुझे इस पर अजर देगा तो उस मस्जिद में इंतज़ाम रहता है आज भी अल्लाह का एहसान फजल है कोई ज़रूरतमंद आता है और वाकई ज़रूरतमंद है तो मस्जिदों का एक किरदार ये भी है कि उसकी ज़रूरत पूरी की जाती है समाज में अब ये ज़रूरी नहीं है कि ऐलान किया जाए ये ज़रूरी नहीं है कि उस गरीब को सारे लोगों के सामने पेश किया जाए ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ोटो खींचा जाए हाँ उसको नशर किया जाए बताया जाए लेकिन खामोशी के साथ गरीबों की मदद मुस्किन की मदद दो तरह से इस मस्जिद की बरकत से ही होती है एक तो ये कि खुद उस मस्जिद में इंतज़ाम रहता है इस मस्जिद में यहाँ इलाके में अगर कोई है ज़रूरतमंद यहाँ के जिम्मेदारों से आके मिलता है बात करता है उसकी जरूरत पूरी की जाती है ये तकरीबन सारी मस्जिदों में है बस कहीं कहीं ऐसा है कि काम कम होता है और डिढ़ोरा ज्यादा पीटा जाता है और कहीं कैसा रहता है कि बहुत काम होता है लेकिन आदमी नहीं बताता है वहाँ जरूरत नहीं रहती कि सब ऐलान करते रहें हाँ वहां उस आदमी को कभी कभार परेशानी होती है जो मस्जिद से कनेक्ट नहीं रहता है अचानक परेशानी में मुबतला होता है तब मस्जिद में आता है तो जब उसके हवाले से लोगों को पता ही नहीं रहता है मालूम ही नहीं रहता है तो लोग शुक्रकुशबाद में मुबतला होते हैं ना अरे ऐसे ऐसे वाक़ात होते हैं कि कभी हैरानी होती है कि एक आदमी कब्रस्तान पहुँच गया है और ढूंढ रहा है कि कौन जनाजा पढ़ाएगा यानी उसका किसी आलिम से कोई रब्त ही नहीं रहता है उसके मोबाइल में नंबर ही नहीं रहता किसी आलिम का तो वो ढूंढेगा कि जिसमें नमाजी कौन है फिर उस नमाजी से कहेगा कि भाई देखिए किसी आलिम का आपके पास नंबर तो आप उससे रब्ता कर ले जनाजे की नमाज़ कौन पढ़ाएगा ये हालत होती किसी का इंतकाल हो जाए परेशान हो जाता आदमी यानी उसकी अपनी पहचान मस्जिद से कुछ रहती ही नहीं है वो फिर देखेगा कोई चचा मिल जाए तो फिर उसके जरिए से जा करके वो वहाँ बात करेगा मस्जिद में कि हमें चारपाई चाहिए हमारे वाले साहब का इंतकाल हो गया है ये इतनी इतनी बेरगबती तो ऐसा आदमी शिकवा भी करता है कि मैं गया था मस्जिद में मुझे ज़रूरत थी तो ये नहीं हुआ उन्हें तो ये तो हर जगह ये परेशानी पेश आती है ये इसमें मस्जिद का कोई कसूर नहीं है मस्जिद का कोई कसूर नहीं इंतजामिया का कोई कसूर नहीं है जब आप इससे जुड़े ही नहीं हैं आप इससे दूर हैं अचानक आएंगे तो तारुफ में तो वक्त लगेगा ही तारुफ में वक्त लगेगा आपके आपके ताल्लुक से इत्मीनान में वक्त लगेगा जब तक कि कोई आदमी गवाही ना दे उसमें एक आदमी आए कहे भाई मुझे ज़रूरत है दस लाख रुपए की जरूरत है पाँच लाख रुपए की जरूरत है दो लाख रुपए की जरूरत है आप ऐलान करवा दीजिए और मेरे लिए रकम मतलब जमा करवा दीजिए कौन करवाएगा ऐलान जब हम आपको जानते ही नहीं है हमको पहचानते नहीं है तो ऐसे कौन करवा देता है खाली ये कि आपने कह दिया इतना का इतना काफ़ी हाँ एक आदमी सारा साल मस्जिद में रहता है लोगों से कनेक्ट है जुड़ता है जानते हैं लोग उसको अच्छे तरीके से अचानक उसके बेटे की तबीयत खराब होगी दो चार लाख की जरूरत है शायद चौबीस घंटे में जमा हो जाता है चौबीस घंटे में जमा हो जाता है क्योंकि सारे लोग जानते पहचानते हो उस आदमी को जानते हैं तो ये भी एक मसला है कि अपनी गलती को इस तरह से छुपा करके मस्जिद को ब्लेम किया जाता है मस्जिद के ज़िम्मेदारों को ब्लेम किया जाता है कि ऐसा लगता है कि वो कसूरवार है हालांकि कसूर किसका रहता है कसूर आदमी का रहता है कि वो जमाती ज़िंदगी नहीं गुजारता है इज्तमाइत की जिंदगी नहीं गुजारता उससे कट करके अलग थलग रहकर के जिंदगी गुजारता है और बाद में ब्लेम किस पर डालता है मस्जिद पर डालता है या मस्जिद पर इसका इल्ज़ाम रखता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद का एक किरदार ये भी था कि मस्जिद से लोगों की ज़रूरतें पूरी की जाती थी अगर वो मुस्तहिक होते थे आते थे अपनी बात रखते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी फौरी तौर पे जो उनकी उनके हक़ में किया जा सकता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे मस्जिद से एक फ़ायदा यह भी है मस्जिद का एक किरदार ये भी है कि इसमें पर्सनल्टी डेवलप होती है आदमी की एक आदमी अपने इलाके में चाहे जैसा रहता था या अपने तौर पर चाहे जैसे रहता था लेकिन जब मस्जिद आएगा तो उसको चंद चीज़ों का ख्याल रखना होगा जैसे मस्जिद आए तो उसको साफ़ सफाई का ख्याल रखना है कि कई लोग के बीच में आएगा ना सब में खड़ा होगा नमाज के लिए जब खड़ा होगा तो कई लोग के बीच में पता नहीं किसके बगल में पड़ जाए तो कपड़े साफ़ हैं कि नहीं है आदमी इसका ख्याल रखेगा वो उठने बैठने का तरीका भी सीखेगा कि मेरे उठने बैठने रुको सजदा करने तो शाहुद में बैठने इससे किसी को दिक्कत ना हो किसी से इससे तकलीफ ना हो मेरे खांसने से मेरे छींकने से कहीं किसी को तकलीफ ना हो मस्जिद है अल्लाह का घर है पुरसकून होना चाहिए साफ सफाई का भी आदमी उसमें ख्याल रखता है फिर चूँकि मुसलमानों का एक इज्तम होता है कई लोग मिलते हैं उसमें दुनियावी तौर पर भी बहुत सारे लोग बहुत तरक्की याफ्ता होते हैं आदमी उसे मिलता है यहाँ से चूँकि ताल्लुक़ पैदा हो गया अब बाहर जाता है तो दुनियावी लेन देन में भी उसके ज़रिए से एक तरह की मदद मिलती है तो एक तो भाईचारा तो बढ़ता ही है साथ ही साथ दुनिया में भी किस तरह से आदमी एक दूसरे से मस्जिद की बरकत से कनेक्ट हो जाता है फिर वहाँ वो फ़ायदा उठाता है और फिर आदमी अपने अंदर सुधार पैदा करता है कुछ सीखता है अपने किसी भाई से कुछ सीखता है मस्जिद में आने के बाद मस्जिद में आया तो उसने देखा कि हाँ भाई देखिए ये आदमी कितना नफासत पसंद है कितना साफ सुथरा रहता है तो आदमी उससे कुछ हासिल करता है कुछ उससे सीखता है तो ये भी जिक्र करते हैं ये भी इसका एक फायदा है आदमी के अंदर तोजो पैदा होती है खाकसारी पैदा होती है आदमी बहुत मालदार है लेकिन वो खड़ा है सफ में उसके बगल में आके एक गरीब आदमी खड़ा है एक बिल्कुल गरीब आदमी खड़ा है देखिए अल्लाह के घर में है तो वो वहाँ कुछ इम्तियाज़ नहीं बरत सकता है कि भाई मैं मैं तो इस हैसियत का हूँ इस हैसियत को हूँ मिलते मिलते वो एक गरीब आदमी के टच में भी रहता है एक कमज़ोर आदमी के टच में भी एक मिडिल क्लास आदमी के भी टच में रहता है यह गरीब आदमी एक मालदार आदमी के भी टच में रहता है वो एक वो जो दूरी होती है ये ख़त्म हो जाती है ज़ात पात के नाम पे जो तफरीक है ये मस्जिद में आकर के क्या हो जाती है ऐसा नहीं कि भाई मैं शेख हूँ तो तुम्हें यहाँ खड़ा रहूँगा और तुम फला उसके हो तो तुम यहाँ खड़े रहोगे मैं खान हूँ तो मैं यहाँ खड़ा रहूँगा और तुम फला उसके तो तुम ऐसा कुछ नहीं है यहाँ करके सब क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं और फिर वो इस्लाम के रिश्ते से जो मोहब्बत पैदा हो जाती है फिर वो ज़ात पात का फ़र्क जो जहालत की बुनियाद पर होता है वो दब जाता है वो ख़त्म हो जाता है वो मिट जाता है यहाँ तक कि इतना मिट जाता है कि लोग बहुत अच्छे से रहते हैं आपस में मिलजुल करके रहते हैं कोई दिल में किसी तरह का हाँ मैंने ये समझना कि हकीर है ये कमतर है ये भी ख़त्म हो जाता है इस्लाम के वजह से फिर तालीम भी दी जाती है बताया भी जाता है तो एक फ़ायदा मस्जिद का ये भी है इसके अलावा भी और बहुत सारे फ़वाद मा जिक्र करते हैं बहरकै मुख्तसर अगर ये कहा जाए कि जब आदमी जुड़ गया है मस्जिद से सुन्नत के इल्म से जुड़ गया है तो किताब सुन्नत का इल्म हर जगह काम करता है आपके हक़द की भी इसलाह करेगा आपकी इबादत पर भी काम होगा आपके मामलात में भी वो असरअंदाज होगा आपके मामलात कैसे हो आपका अखलाक कैसा हो हकूक की भी आ, आ, आगाही करेगा कि हकूक क्या है उनकी अदायगी करो तो पूरा हर तरह का खैर उस आदमी को यहाँ से नसीब हो जाता है एक काम यह है मस्जिद का कि मस्जिद में इबादत की जाती है इसे मैंने जानबूझ के बाद में रखा है कि पहला लोगों को यह रहता है कि मस्जिद में इबादत की जाएगी तो मस्जिद खाली इबादत के लिए बनेगी लेकिन ऐसा नहीं मस्जिद का जो किरदार है उसमें पहली चीज़ है तालीम तालीम पहली चीज़ है कोई भी इबादत इल्म के बगैर मुमकिन है जी कोई भी बात आप नमाज़ पढ़ना चाहते बग़ैर मुमकिन है हाँ तो मस्जिद है मस्जिद मस्जिद पहले क्या है वो मदरसा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु नबीम को वो जूत ये क्या था इल्म सिखाने के लिए फिर इल्म सिखाया बताया फिर वैसे करके नमाज़ पढ़ी सलू तुमने नमाज़ पढ़नी लेकिन कैसे पढ़नी है कमाई तुमोनी वलू जैसे मैंने नमाज पढ़ा तो पहले सीखेगा आदमी तब वो करेगा ना फ़अलम ला इलाहा इल्लल्लाह इल हासिल करो किस चीज़ का कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद तोहैद का पहले इल्म हासिल करो तो मस्जिद का जो किरदार है उसमें पहली चीज़ क्या है तालीम दूसरी चीज़ तरबियत अब तालीम और तरबियत के बाद यानी आदमी ट्रेन हो गया उसे करना क्या है तो तौर पे जो मस्जिदों का हाल है बहुत सारे लोगों ने इतना बना रखा है कि मस्जिद का दरवाज़ा खुला लोग गए नमाज पढ़े निकल गए तो उतना ही उनको हासिल होता कि मस्जिद में गए नमाज पढ़े और निकल गए ये बहुत अधूरापन है ये बहुत इंतहाई यानी मस्जिद की नाकदरी है ये कि सिर्फ नमाज उसमें पढ़ी जाए अगर उसमें दुरुस्त का अहतमाम नहीं है तो उससे फैज़ कैसे हासिल होगा उससे फ़ायदा क्या हासिल होगा कोई फ़ायदा नहीं हासिल होगा सिवाय इसके कि ठीक है आदमी नमाज पढ़ लेता है उसकी फ़र्ज नमाजें अदा हो जाती है लेकिन फिर उसमें भी कोताहियाँ होंगी गलतियाँ होंगी कमियाँ होंगी शैतान बहकाएगा कैसे असलाह होगी अगर तालीम तरबीत को कोई नजम नहीं इसलिए एक मसला आज बताता हूँ आप लोगों को कि अगर फ़र्ज नमाज के फ़ौरन बाद दर्स होने लगे तो उस वक्त वो इल्म हासिल करना ये बेहतर है बनिस्बत किसके कि कोई आदमी बैठ के कुरान पढ़ने लगे कोई आदमी बैठ के जिक्र अस्कार करने लगे ये हसूल इल्म ये बेहतर है उस वक्त बजाय इसके कोई आदमी बैठ के तस्वीर पढ़ने लगे ठीक है वो इबादत है सब आपका काम है वो आप बाद में भी कर सकते हैं लेकिन इस वक्त इल्म हासिल को इसको फजीलत हासिल है किस चीज़ पर इंडिविजुअली इबादत पर कि आदमी अपनी इबादत में मशगूल हो जाए तो दीनी भाइयों तालीम तालीम तरबियत के बाद एक काम क्या है इसमें मस्जिद का यहाँ पर हाँ बहुत प्यारी इबादत जो इबादत फ़र्ज है और जिस इबादत के अंजाम ही के लिए मस्जिदें बनाई जाती हैं वो क्या है नमाज और ये नमाज़ ये अपने आप में अल्लाह को खुश करने अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया तो है ही है साथ ही साथ ये इंसान को कंट्रोल करती है इलाता तनहा अनिलफाईनका इलाता यकीन शुभा नहीं है इसमें कोई शक नहीं है असलात नमाज ये तन्हा रोक देती है बाज रखती है किससे? अनिल फहशा इवल मुनकर फहश कामों से और मुनकरात से कंट्रोल करती है तो मस्जिद का एक किरदार यही है कि आदमी उसका अपना नफ्स शैतान का वसवसा ये इसे बहकाते रहता है यहाँ वहाँ लेके जाते रहता है वो जलालत गुमराही की तरफ उससे ढकेलते रहता है लेकिन चूंकि बंदा नमाज पढ़ता मस्जिद में आकर के इसलिए उस नमाज़ की बरक़त से उसका फ़ायदा क्या होता है कि फिर एक कंट्रोल होता है आदमी की ज़िंदगी बैलेंस होने लगती है बहुत सारे गुनाहों से बंदा दूर रहने लगता है दिल का एक इत्मीनान उसको नसीब होता है फिर इबादत की इसमें मुख्तलि शक्लें हैं मस्जिद के ज़रिए मस्जिद में आकर के आदमी नमाज़ पढ़े दुआ करे तलावत कुरान करे तोबा करें हाँ इस्तार करे ज़िक्र असकार करे सारे काम हैं मस्जिद के किरदार एक ये भी है कि मस्जिद के ज़रिए सोशल वर्क किया जाता है मस्जिद का एक किरदार क्या है सोशल वर्क तो जहन साजी की जाती है जहन साजी जहन साज़ी जैसे यही कि आ, किसी आलिम ने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना व यतीम फ़िल जन्नति हा कला प्यारे नबी ने बताया कि मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में ऐसी रहेंगे अब हदीस सुना दी तो आदमी का जहन बना ना उसका माइंड सेट हुआ कि मुझे किसी यतीम की किफालत करनी है क्यों क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है कि ऐसा आदमी जन्नत जन्नती रहेगा और जन्नत में प्यारे नबी का पड़ोसी रहेगा किसका पड़ोसी रहेगा प्यारे नबी का आना व काफिलयतीम ही अल्लाह के नबी कहते हैं मैं और यतीम की किफालत करने वाला ये जन्नत में होंगे कैसे ऐसे जैसे यानी दो दंगलियाँ हैं अगल बगल में ऐसे हम दोनों जन्नत में रहेंगे तो जन्नत और जन्नत में अल्लाह के नबी का कुर्ब नसीब होगा किसको जो यतीम की किफालत करेगा यह हदीस कहाँ सुना उसने आकर के चाहे जुम्मे के खुतबे में सुना ये किसी दर्स में सुना हाँ सुबह शाम के दुरुस्त में सुना किसी वक्त सुना सुन करके उसका जहन बना तो ये भी सोशल वर्क है ये क्या है ये सोशल वर्क नहीं है अब उस यतीम के घर पे वो आदमी राशन पहुंचाता है उस यतीम के कपड़े देता है उसकी फीस भरता है तो ये सोशल वर्क नहीं है और क्या सोशल वर्क वो बीमार है उसका इलाज कराता है उसके उसका उसके खर्च बर्दाश्त करता है सोशल तो वर्क नहीं है ये सोशल वर्क है ये तो मस्जिद से एक काम यह भी होता है एक तो मुस्तकिल इंतजाम हो कि हालांकि माल जमा करो यहां से हम बांटेंगे वो तो है ये नज्म वरना अगर वो नज्म किसी वजह से नहीं हो सकता तो कम अज कम जहन साजी कर दी जाती है मस्जिद से समाज और माशरे पर जो मस्जिद का असर होता है उसमें क्या है कि मस्जिद के जरिए से सोशल वर्क पर लोगों पर उभारा जाता है कहीं सैलाब आ गया इमदाद की अपील की जाती कि नहीं की जाती कि यहाँ सैलाब आ गया घर तबाह हो गए लोगों के किसी का घर जल गया या कोई और हादसा हो गया तो अपील की जाती कि नहीं की जाती तो ये सोशल वर्क नहीं ये सोशल वर्क है जो मस्जिद के ज़रिए से किया जाता है सदकुतुल्फित्र की रकम अदा की जाती है ऐसे ही ज़क़़़त एक रुकन है एक फरीज़ा है वो बताया जाता है उसकी अदायगी पर लोगों को उभारा जाता है जकवात की रकम किसको मिलती है वो भी जाती है गरीबों मोहताज मस्किनों में तकसीम होती है उनको मिलती है तो ये भी तो सोशल वर्क है ये भी मस्जिद की बरकत से ये काम किया जाता है निकाह पढ़ाया जाता है मस्जिद में पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है किसी का जोड़ा बनाए जाते हैं निकाह दो भी एक सुन्नत की अदायगी की जाती है उसकी ज़िंदगी में खुशहाली का एक ज़रिया क्या बनती है मस्जिद मस्जिद के ज़रिए वो काम किया जाता है जनाजा पढ़ा दिया गया या रिलीफ़ का काम किया गया तनाजात का तस्वीया किया जाता है तनाज़ात का मियाँ बीबी के झगड़े हैं दो पड़ोसी के झगड़े हैं दो मुसलमान भाई के झगड़े हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक मरतबा मस्जिद में एक शख्स एक सहाबी दूसरे सहाबी से थोड़ा ऊँची में बात कर रहे थे बुलंद आवाज़ में बात कर रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो समझ में आया कि वो उनसे अपनी रकम का मुतालबा कर रहे थे कुछ लेन देन था तो उनको लेना था दूसरे सहाबी से तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उनसे भी आगाह थे जो दूसरे सहाबी थे उनसे आगाह अल्लाह के नबी जानते थे कि इनकी माली हालत क्या है तो अल्लाह के नबी ने उनसे दरख्वास्त की कि आधा ले लो आधा छोड़ दो क्या कहा आधा माफ़ कर दो और उनको राज़ी कर दिया किस पर कि आधा दे दो और उनको कह दिया कि आधा तुम माफ़ कर दो तस्वीर हो गया ख़त्म हो गया दो लोग की लड़ाई थी दो लोगों दो लोग का झगड़ा था या दो लोगों के आपस में कोई मामला था तो तस्वीर हो जाता है मस्जिद के का एक समाज में एक बहुत अच्छा असर ये होता है कि अगर मुसल्ली है लोग जुड़े हुए इमाम से जुड़े हुए हैं इज्तमाहीत है, है लोगों के अंदर तो बहुत आसानी से समाज में जो शैतान बहका देता है एक दूसरे के खिलाफ कर देता है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है लेकिन जो आदमी मस्जिद से नहीं जुड़ा है उस पर नहीं होगा फिर उस उसके किसी बात का असर ही नहीं होगा उन्हें इमाम साहब की सुनेगा ना किसी आलिम की सुनेगा ना समाज में रहने वाले किसी बुजुर्ग की सुनेगा फिर अपने धुन में रहेगा तो मस्जिद के ज़रिए काम ये भी किया जाता है कि समाज का तस्वीर किया जाता है ऐसे ही हाँ आलिम है अगर मस्जिद के अंदर तो इफ्ता का भी काम होता है जैसी ज़रूरत रहती है उसे फतवे भी लोग हासिल करते हैं बैर कभी चंद बातें अल्लाह की तौफीक से हाँ इस दरस में ज़िक्र की गई अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मस्जिद का मकाम और मरतबा समझने की तौफीक अदा फरमाए और ऐसी जगह ख़ास तौर पर जहाँ मस्जिद की ज़रूरत है वहाँ तामीर करने मस्जिद आबाद करने के हमें की हमें तोफ़ी अदा फ़रमाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मन बना लाही मस्जिद बन अल्ला फ़िलजन्ना की जो आदमी अल्लाह की खातिर मस्जिद बनाता है अल्लाह की खातिर देखिए एक बात यहाँ और मैं आखिर में ज़िक्र करूँ कि मस्जिद उसी जगह को कह सकते हैं जो वक्फ लिल्लाह हो वक्फ लिल्लाह हो उसकी मिल्कियत किसी की ना हो यानी कि स्पेस है लेकिन उसका मालिक मैं हूँ तो घर से वहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हों उसका मालिक मैं हूँ ना इसलिए मस्जिद नहीं वो वह अन्नल मसाजिदा लिल्ला मसाजिद किसके लिए होती हैं अल्लाह अल्ला। 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 ताला के लिए मस्जिद की तारीफ़ अभी देखा मैंने मस्जिद की तारीफ़ उसकी डिफिनेशन तो उसमें यही है कि वो जगह जो जगह किसी की मिलकियत में ना रहे वक्फ़ रहे अल्लाह के लिए कि लोग आकर के वहाँ अल्लाह की इबादत करें लोग आकर के वहाँ अल्लाह उसे उसे ही मस्जिद कहा जा सकता है तो ये इसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन बना लिल्लाह ही मस्जिद जिसने अल्लाह की खातिर मस्जिद बनाया बन अल्लाहु लहू अल्लाह उसके लिए बनाएगा बैतन फिल जन्ना जन्नत में घर बनाएगा किसके लिए उस आदमी के लिए जो मस्जिद बनाता है तो हम देखें कहीं से भी लोग आए और ज़रूरतमंद रहते हैं उनके इलाके में मस्जिद बनती है तो मस्जिद के सारे फवाइद अपने दिलो दिमाग में रख करके कि मस्जिद की इतनी बरक़तें हैं समाज माशरे में असलाह का इतना बड़ा किरदार है मस्जिद का हम उस कार्य कारर में हिस्सा लें ताकि अल्लाह ताला हमें उन तमाम कामों जो तुम्हारी हमारे हेल्प के ज़रिए से वहाँ अंजाम पाएंगे सब का अल्लाह ताली हमें सवाब दे अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला हमें ये बातें समझने के बाद इसमें अमल के तोफी फरम आमीन तकबल अरबाज सामक वह बरकू